हाय फाइनली मैंने मतलब 3-4 दफा ट्राई किया, उसके बाद जाके फाइनली Yeah, but पास good. किया। How have you been? आई एम So गुड, nice to see you. आई नो इट्स लवली टू सी यू। Yeah, and the cyclone is on its way to you guys. हाँ, आसपास से आई होप मतलब ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, होप सब सेफ है। मतलब ये Yeah, सब true. कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होते जा रहा है, सो आई Yeah. थिंक टेस्टिंग एवरीबॉडीज पेशेंस आई गेस नाउ। Absolutely. दुबई तो ओपन हो गया है. हम लोग ऑफिस में हैं अभी. I'm calling from office. Yeah, last 1 month से we come to work. Social distancing, I mean physical distancing maintain कर रहे हैं. And we're trying to make sure that we go back to work with conditions that we taking care. I'm hoping everything comes back. Yeah, nobody likes this indoor, always indoors for such a long time. But you liking it? You like to be indoors, right? You like to be Yes, I do. cocooned. हाँ, मैं खुश हूँ, घर पे हूँ, वही करती हूँ यूजुअली भी। ऐसा कुछ मैं ज्यादा आउट गोइंग हूँ नहीं, तो मेरे लिए तो पैराडाइज ही है। बट सिचुएशन नहीं है मतलब दूसरों को कि कंडीशन अच्छी ना हो और खुद आप कंफर्टेबली बैठे हो, वो आइडिया इतना कुछ खास नहीं है। तो आई ओके जस्ट होप दैट इट इज इट सेटल्स डाउन सून एंड दैट एवरीबडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। एब्सोल्युटली. यू स्टार्टेड यू लर्न्ड यू आई मीन आई थिंक मनोज बाजपेयी ही रेकमेंडेड योगा फॉर यू एंड जी यू टेल मी जी अबाउट इट. कुछ नहीं, मैं जनरली काफी ऐसे हाइपर रहती हूँ एंड आई एम डूइंग अ फिल्म विद मनोज बाजपाई, सूरज पे मंगल, दैट्स वेयर आई मेट हिम। एंड वो देखते हैं कि मैं ऐसे इधर उधर कूदती रहती हूँ एंड आई एम वेरी इम्पेशेंट, सो ही सजेस्टेड दैट आई गेट इनटू मेडिटेशन। एंड देयर अनदर फ्रेंड ऑफ माइन राहुल मोदी, ही हैड आल्सो सजेस्टेड सिंस अ व्हाइल आई हैव बीन ट्राइंग, कभी होता है नहीं होता। वो शांति वाली चीज है ना, मुझसे आसानी से नहीं होती है। ओके बट यू बी स्टाइंग अप. सो व्हाट इज इट लाइक अ सर्टेन काइंड ऑफ मेडिटेशन और यू डू इट जस्ट बिकॉज़ यू सिट इन अ क्वाइट प्लेस एंड मतलब सिर्फ ध्यान लगाना है और कुछ नहीं, बस एक पॉइंट पे ओके एक जगह बैठ के शांति से आंख बंद करके लेट द थॉट्स फ्लो, दैट्स इट। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग हाउ डिफिकल्ट दैट इज टू बी बाय योरसेल्फ एंड जस्ट कुछ मत करो, फोन मत देखो, रीड मत करो, ये ना करो, वो ना करो, और सिर्फ बैठो। वो बहुत ही मुश्किल चीज। I completely understand. But tell me about him. I mean, his working with Manoj Bajpayee is like a, I think it's an institution by himself. Yeah, And he's a sweetheart. I really enjoyed working with him और खूब मस्ती की हमने सेट पे। तो ऐसे कभी कभी लगता है ना, क्योंकि जिस तरीके के रोल्स उनने किए, काफी मतलब काफी अलग अलग किस्म के रोल्स किए, तो थोड़ा ऐसे लगता है कि यार बहुत सीनियर है, मस्ती नहीं करते होंगे, सीरियस रहते होंगे, पर एक्चुअली वो बहुत मस्ती खो रहे, बहुत मजा आता है उनके साथ। अच्छा बट यू जी स्टार्टेड योर करियर इटसेल्फ विद लाइक ऑल द पीपल दैट यू वर्कड विद हैव बीन वेरी बिग नेम्स इन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. यू स्टार्टेड आउट विद कमल हासन जी एज अ बेबी. सो व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट योर ओन दोज रशेस ऑफ दोज व्हाट इज देयर एनी मेमोरी बट यू वेरी टाइनी वेरी स्मॉल. वाज वेरी यंग। मुझे एक बार डांट पड़ी थी। एक सीन था अच्छा जहाँ कमल हसन आते चाची बन के, और बेसिकली मुझे मालूम पड़ता है कि मम्मी दुखी है, ऐसा कुछ सीन है, और मैं बोलती हूँ मुझे हाँ आपकी बात नहीं, आप मम्मी को तंग करते हो। तो फिर वो मुझे, और मैं रोने लगती हूँ। तो दिस इज द सीन, ऐसा कुछ था मोटा मोटी मुझे याद है जो। फिर अब मुझे रोना नहीं, कुछ 4 साढ़े 4 साल की थी, मुझे पता नहीं रोना क्या नहीं, मुझे डांटा, तो वो डांटने के बाद मेरा रोना आ गया एंड दे रिकॉर्डिंग। ओके रोने के बिकॉज आई बाद रिसेंटली इंटरव्यूड श्रुति हसन हु आई थिंक ऑल्सो सैंग. Yeah, so आई it's nice थिंक that शी वाज आल्सो देयर ऑन सेट, शी एंड अक्षरा। Okay, so you did you interact with them then at that बैक time? देन तो नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मेरा इंटरेक्शन हुआ होगा। मैं अक्षरा से मिली थी कुछ 4-5 साल पहले, रैंडमली कोई प्ले कर रहे थे, तो Okay. वहां पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और उसे भी आइडिया नहीं था मैं कौन थी। बातों बातों में पता चला कि मैंने वो फिल्म की थी, और उसने बोला कि ओ गॉड आई एम हिज डॉटर, आई वाज सपोज्ड टू डू द फिल्म अपेरेंटली। Okay. Oh, she was supposed to do. Okay, and the fact that you got the role also because your home was very close to the हाँ studios.
Tell me about that. And your mother used to take you to watch हाँ, film shoots. बेसिकली हमारे घर के बाजू में एक फिल्म स्टूडियो है कमालिस्तान, जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की होती है. सो माय राइट. मदर टेक मी शूटिंग देखने जा रहे हैं, होते हैं ना जब ये शूटिंग होती है तो आजू बाजू बहुत क्राउड होता है, तो हम लोग जाते थे. एंड मतलब किसी क्रू वाले से बात हो गई होगी, तो बेसिकली उन्होंने बोला कि ऑडिशन है किसी फिल्म का, फलाना ढिमका. तो ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, उसमें से एक ये फिल्म का था और मिल गया. So what, you never felt anything different in front of the camera? Naturally, it just flowed like that. ऐसे आई थिंक जब आप छोटे होते हैं ना, थोड़ा आसान होता है, थोड़ा नहीं काफी हाँ, बिकॉज आसान. इनहिबिशन नहीं होते ना ज्यादा. यू जस्ट गो इन. आपको पता नहीं क्या है क्या करना है, आप बस आपको बोलते हैं कि अभी ये करना है तो आप वो करते हो. मतलब आप इन द मोमेंट, यू डोंट हैव टू यू नो ट्राई टू बी इन द मोमेंट. Okay, and your Instagram has been lovely black and white photographs of the last few posts have been very cool, and that's your passion as well. So what is it with black and white? Yeah, like do you have a certain love towards that tone? आई डोंट नो, रिसेंटली आई हैव बीन एंजॉयिंग ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स. आई थिंक वो उसमें बहुत एक आपको एक एरा में लेके जाता है कि जब कलर्स नहीं होते थे, बट यू स्टिल कैप्चर द मूड विदाउट कलर्स. सो इट्स वेरी, आई डोंट नो, इट्स ब्यूटीफुल. व्हेन आई सी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, इट ऐसे लगता है कि उसके पीछे स्टोरी होगी. ऑफकोर्स अगर फ्रेम अच्छा होगा तो. कौन सी ऐसी कोई फिल्म याद है जो अच्छी लगी है ब्लैक एंड व्हाइट, जो विच यू लाइक गोइंग बैक टू एंड वॉचिंग? नहीं, मैंने जो देखी वो मदर इंडिया थी, जो मतलब सबसे पुरानी, मतलब हाँ, उसमें तो वो वो कलर में देखी मैंने. हाँ पड़ोसन भी, आई थिंक 1950s में कलर आया था सिनेमा में, उससे पहले मतलब नहीं था, तो मैंने उतनी पुरानी फिल्में देखी नहीं. अच्छा. आर दीज बर्ड्स अराउंड योर हाउस? यू हैव इट एज पेट्स, और दे बाहर से आवाज आ रही है? नहीं, बाहर से आवाज आ रही है. वो ओ, बिकॉज सारे ऑफ द रेन. पक्षी बाहर आ गए ना, जब से लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द रेन. इंसान अंदर चले गए, जानवर बाहर आ. ओके, नाउ टेल मी, ऑल द रोल्स दैट यू हैव डन टिल नाउ हैव हैड अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट इन इट. ऑफ कोर्स दंगल, हु कैन फॉरगेट द सो मेनी थिंग्स दैट यू डिड इन दंगल, एंड देन ऑफ कोर्स थग्स ऑफ हिंदुस्तान, व्हिच इज आल्सो एन आर्चर्स रोल. सो द नेक्स्ट रोल इज लेस ऑफ दैट, द नेक्स्ट फिल्म दैट वी विल वॉच ऑफ यू? यस, ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग आफ्टर दैट आर नॉन फिजिकल, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. बहुत दर्द में रहती है तो थोड़ा बेटर है. बट वो आई थिंक मतलब एवरी रोल हैज इट्स ओन यू नो चैलेंजेस. सो इट्स किसी में डायलॉग करना पड़ता है जो आपने कभी सीखा नहीं है, वो सीखना पड़ता है. सो आई थिंक दैट इज वॉट इज मोस्ट एक्साइटिंग अबाउट डूइंग एनी रोल. सो आई एम यू नो ऑल्दो आई हैव डन वेरी फिजिकल रोल्स, टू फिजिकल रोल्स, एंड एट दैट मोमेंट ओ गॉड इट्स सो डिफिकल्ट. बट व्हेन आई लुक बैक and I'm grateful that I got to learn a sport out of it. मतलब जिंदगी में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है अलग अलग जिंदगी जीने का. सो आई थिंक एन एक्टर, दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट इट, इज दैट यू गेट टू टैप इनटू डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड डिफरेंट इमोशंस. सो या But do you have tra so when you tap into these psyches of all these characters that you play, do they leave traces? And how do you look at them now? Any positive change that it I affects? think when I trained for Dangal, because I had to be so disciplined, or जैसा train करना था, आपका mindset भी athlete जैसा हो जाता है. क्योंकि जो भी एक athlete होता है, इतना physically involved होता है, beyond the point, it's all you know about your mental strength. कि हर के 4-5 घंटा workout करना है, जो भी करना, आपके sport में train करना, उसके लिए एक अलग mindset चाहिए रहता है. तो आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू गेट इन टू सच अ डिसिप्लिन लाइफ, एंड इट वॉज फॉर दैट फिल्म. बट एंड आई थिंक सी वॉट एवर गो थ्रू इन लाइफ, ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू एक्सपीरियंस, इट लीव्स सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेसेस, बी इट गुड, बी इट पर्सनल, बी इट प्रोफेशनल. सो आई थिंक आई एम चेंजिंग एवरी डे, आई एम चेंजिंग एवरी टाइम आई डू अ डिफरेंट, आई डू अ रोल. सो यू नो अभी सबकॉन्शियसली क्या पीछे छूट जाता है वो मुझे नहीं पता. But not that you know I come back home and I think about it. Maybe I should. I think that would be a great exercise to you know look into my life and just wonder, okay, how it's my life.
Okay. I met you, I interviewed you exactly a year ago and probably a year and 10 days ago. It's exactly around that time we're meeting again like this. Any memories of Dubai? When did you come here first and any memories of Dubai that you can share? वही था, पहली दफा एक साल पहले, First time. फर्स्ट टाइम. तो Okay. इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई हैव सम फ्रेंड्स लिविंग देयर एंड Okay. एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि हाँ दुबई जा रहा है ये, मतलब बहुत सारे दोस्तों जो दुबई तो जा चुके हैं और मुझे कभी मौका नहीं मिला था. सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेटली आई टू एक्सप्लोर द सिटी बिकॉज़ आई वाज देयर लिटरली फॉर 24 आवर्स. Yeah. सो आई डिड इंटरव्यूज, आई डिड एन इंटरव्यू विद यू एंड इट वाज रियली Yeah. लवली टू मीट यू बैक देन एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी स्टेड इन टच. सो Yes, it was lovely to meet you too, and in your room, and we just it was and the fact that very effortless. yes. There is a lot of ease, and that's your personality, which is lovely. And I remember you telling me about how you do not like to go to award functions too much because of the dressing up and the Yeah. whole para. बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर इज गेटिंग रेडी. मतलब मेरा बस चल, मैं हर जगह ऐसे ही चली जाऊं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लूं, बस कुछ भी कर लूं, चले जाऊं. मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में कि क्या पहनना है क्या नहीं, कैसा लगना है. वो जो नेचुरल स्टाइल है ना, जो हम लोग निकलते हैं, जो आपका एक इनहेरेंट स्टाइल होता है, वही मेरे लिए ठीक है. गेटिंग रेडी इज वेरी स्ट्रेसफुल. I think you've also said somewhere in one of the interviews that people shouldn't make an effort. I mean, the sense when you put too much effort in how you look, you lose Yeah, the but rawness of. some people have that personality. They can carry anything off. लेकिन जैसे रणवीर सिंह, वो जो भी पहनता है बड़ा सॉलिड लगता है, मजा आता है उसे देख, क्योंकि यू कैन फील दैट ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. सो इफ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इट्स ग्रेट, बट इफ आई ट्राई टू बी दैट पर्सन आई एम नॉट दैट पर्सन. Yeah. सो यू नो And you've also said that once Anya and you have also exchanged clothes and you've gone to places wearing each other's clothes as well. So tell me about that because unlike a lot of stuff, I mean, अभी तो ठीक है, people are talking about you can repeat clothes and it's cool to repeat and all of that is happening now. But at one point it was like sacrilege to say, okay, why are you wearing the same thing that you wore here or एक्चुअली there? मुझे कुछ चीजों का आइडिया नहीं था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. सो मुझे क्या सही है क्या गलत है उस चीज का कुछ समझ नहीं था. सो फॉर मी आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ. सो आई यूज्ड टू टेक सानियाज क्लोथ, आई रिपीट माई क्लोथ. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्या कौन क्या बोलेगा, सेम कपड़े पहनते तो बोलने, मतलब इतना पैसा डाल के अगर आप कपड़ा खरीद रहे हो और जिंदगी एक ही दफा पहनोगे तो फायदा क्या है. So what is your wardrobe like? What do you really buy? What do you really have? That will be interesting to know, na? मेरा ना ऐसे मूड के हिसाब से होता है, कभी ऐसे बोहिमियन वाइब हो जाती है हर रोज, बट मेरा वो फेज होता है हर रोज मैं लाइक लिटरली एक या ऐसे दो तीन कपड़े होंगे तो मैं एक महीने तक चलाऊं, मैं ज्यादा चेंज भी नहीं करती. यू विल सी मी सेम, मतलब वो ऐसा सेट ऑफ क्लोथ्स ट्वाइस Yeah. और थ्राइस वीक लिटरली. सो Wow. Okay. That's good. That's actually good because it helps to also burst this myth about how every time it has to be perfect, right? जैसे Yeah. स्टीव जॉब्स, उसका वार्डरोब सेट है, उसने ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी है, वो वही हाँ, पहनता स्टीव जॉब्स. ओके, ऑफ है. कोर्स. यू डोंट हैव टू थिंक. या यू डोंट, ही डजंट हैव टू वेस्ट टाइम कि वो जाएगा उठाएगा एंड देन व्हेन देन ही थिंक अबाउट थिंग्स दैट ही. सो Yeah. यू नो इट्स अ ग्रेट वे टू बी. Yeah, and there's a lot of time which is saved as well, right? Okay. Did actually when your early days after before Dangal happened to you, when you were doing a lot of other stuff, did people actually tell you that you're not heroine material? And is there a heroine material at all today? उस टाइम पे तो बोला गया था काफी दफा कि आप हीरोइन मटेरियल नहीं हो, पर हमारे दिमाग में हमेशा कौन है, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, जो इतनी खूबसूरत होती है, जो प्रियंका चोपड़ा, यू नो दे आर लाइक रियली प्रिटी ब्यूटीफुल टॉल वुमेन. तो आई डिड नॉट फॉल इन दैट स्लॉट एंड आई नो दैट एंड बट दैट हैज चेंज्ड एंड आई थिंक ऑलवेज हैड. नो मैटर फिल्म सिनेमा के आप कौन से एरा में जाते हो, बट यू ऑलवेज हैड अ लिटिल ऑफ मोर
गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ एक्ट्रेसेस. तो आई थिंक वैसी फिल्में बन रही है जहाँ पे आपको वैसे कैरेक्टर्स करते या वैसी एक्टर्स चाहिए रहते हैं जो मॉडल टाइप नहीं है, यू नो, मॉडल टाइप नहीं, नॉर्मल एवरेज लुकिंग पीपल. सो ओके, सो आई थिंक So did you go through a lot of introspection? Did you go through this entire feeling of rejection, and you know, how did you manage those lows? Honestly, मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मुझे लगा था कि मैं कुछ बहुत बड़ी स्टार बनूंगी. मुझे सिर्फ बेसिक चीज ऑफ एंजॉयिंग एक्टिंग. आई यूज्ड टू रियली एंजॉय एक्टिंग. तो मेरा वैसा था, एंड बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग, तो मैंने एक चीज से मतलब ये कर लिया था कि भले ही फिल्में ना मिले पर ऑडिशंस में जाके एक्टिंग कर लूंगी, थोड़ी एक्टिंग कर लूंगी, कुछ भी नहीं करना, वही करना है जो मुझे पसंद है, भले ही छोटा रोल होगा किसी फिल्म में, बट आई विल स्टार्ट वर्किंग समवेयर. सो दिस वाज नॉट द मेन टू अर्न मनी, सो दैट वाज, सो इट्स नॉट दैट आई वाज एस्पायरिंग, बैगेज नहीं, बैगेज नहीं, मैं सिर्फ कर रही थी जो मुझे पसंद था. मुझे ऑडिशन में जाके एक्टिंग करना अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लग रहा था मौका मिल रहा है, नॉट बिकॉज कि आई गेट सिलेक्टेड, आई वोंट गेट सिलेक्टेड माय सेल्फ. एंड जब आपके वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते, मतलब ऑफ कोर्स एस्पिरेशंस होना जरूरी है, जरूरी तो है, काफी सब्जेक्टिव है, बट यू नो, गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ गोल के हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग. सो आई डिड हैव दैट, आई वांटेड टू कांस्टेंटली कीप ऑन एक्टिंग, बट आई टू बी प्रैक्टिकल. यू कांट बी, जब गुरबत में आप कुछ नहीं कर सकते, यू नीड मनी टू, यू नो, do things, live peacefully. So it's important to give value to money, because it's very easy to say that money is not important, but it is very important. Right. Okay, Rishi Kapoor ji had trained you in Dangal. He said something very interesting about you growing hair and, you know, looking, he was looking forward to your next film. I remember. It was it was really nice and surprising, because it's not that I've met him personally ever. I had not met him, and Rishi ji ka tweet dekh kar ke he's, matlab, he thinks that I'm somebody he wants to look forward to my work, and I was really surprised. And it is so big of you know, of somebody who's so famous and so big, and who's, you know, comes with this great body of work. And when somebody like that says something, it really motivates you, you know? Yeah. And makes you feel important. Yeah. How was it working with Mr. Bachchan? It was really nice. He's, you know, when you see him, you see that in spite of being in this industry since so long, he's still so passionate. He's still so excited about his work. You know, he comes on time. He does his lines. He doesn't care how long it takes, you know, to get a take right. And... काफी इंस्पायरिंग होता है ऐसे लोगों को काम करते हुए देखना, बिकॉज देन यू वांट टू इंबाइब दोस क्वालिटीज एंड वैल्यूज इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल. सो या, सो इन योर मेजर फर्स्ट फिल्म यू टुक 2 इयर्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम दैट वाज प्रिपेयर, दैट यू यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द रोल, एंड आफ्टर दैट दोस 2 इयर्स वर इन देयर, देयर वाज लेस टाइम एंड इट वाज अ रेगुलर शेड्यूल. वाज इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दैट फ्रॉम द फ्रॉम आफ्टर दंगल, बिकॉज़ दंगल वाज एक्सटेंसिव. बट उसके बाद भी मुझे मतलब ठग्स में भी काफी टाइम लगा शूट होने में, शूट होने में और प्रेप में भी काफी टाइम लगा. तो यू नो, हर किस्म की फिल्में होती है, कोई कोई फिल्में होती है जिसमें प्री प्रोडक्शन में टाइम लगता है, जिसमें यू नो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 1 साल या 2 साल किसी एक प्रोजेक्ट पे. और ऑनेस्टली मुझे ब्रेक मिला था ऐसी फिल्म में जो आपसे वो डिमांड करती है उतना टाइम. And I'm very grateful that I got to be a part of such a great film. And even Thugs, I really enjoyed working on that film. Even, you know, everybody. It didn't work, that's a different thing. But no, I'm glad that I got to experience... How was it working with Aamir Khan the second time? Because the first time was a different experience. This is another one. So how was it this time? It was nice. He's the same. He plays different characters, but as a human, he's, you know, he's a very genuine and humble guy. I think anybody who works with him will always take something out of the experience, because he's a thorough professional and he's extremely intelligent. So it's really nice to be working with him.
एंड टेल मी अबाउट राजकुमार राव एंड द फिल्म दैट यू आर वर्किंग विद. बहुत ही स्वीट लड़का है ये. आई थिंक जो भी अच्छे एक्टर्स होते हैं उन सब में एक क्वालिटी होती है, जैसे मनोज बाजपेयी हो, राजकुमार हो, आमिर सर हो, बच्चन जी हो, ये लोग ना अपने काम को लेके बहुत पैशनेट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं. दे डोंट टेक द वर्क लाइटली. इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री सिंस सो लॉन्ग, दे आर Yeah, स्टिल they सो don't take पैशनेट. anything for granted. हाँ, दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड इट्स अ ग्रेट क्वालिटी, यू नो. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग इनटू दिस इंडस्ट्री यू लाइक हाँ मुझे ये बनना है. So what is your favorite Aamir Khan movie? मुझे तलाश बहुत पसंद है. Okay. लगान, Okay. लगान, थ्री And इडियट्स, why? And also why do you like those तलाश आई रियली एंजॉयड वॉचिंग. आई लव द म्यूजिक, movies? आई लव रानी मुखर्जी, आई रियली लव एंजॉयिंग, आई लव सीइंग हर ऑन स्क्रीन. या कुछ कुछ होता है इज वन ऑफ योर फेवरेट फिल्म्स आई एम टोल्ड. या आई लव कुछ कुछ होता है, तो इसीलिए मुझे तलाश काफी पसंद है. मुझे उसकी स्टोरी भी अच्छी लगी, मुझे तो काफी सही लगी थी लगान. बिकॉज जब मैंने देखी थी मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं है हमारे देश में. एंड द फैक्ट दैट यू गेट टू सी समथिंग लाइक दैट एंड सी व्हाट योर कंट्री हैज गॉन थ्रू एंड व्हाट द पीपल हैव गॉन थ्रू एंड इट इज थ्रू द मीडियम ऑफ सिनेमा. सो आई बिलीव दैट सिनेमा इज अ ग्रेट मीडियम टू गिव इंफॉर्मेशन, टू यू नो टिकल योर थॉट एंड बेसिकली टू टेल यू टू थिंक अदरवाइज बाय थ्रू द कॉन्टेंट. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो विद लगान दैट हैपेंड, लाइक ओ माई गॉड हमारे साथ ऐसा हुआ था और लोगों को ऐसा करना पड़ा. अच्छा ये सिचुएशन थी तो. एंड इट इज अ मूविंग स्टोरी, इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी. Yes. सो दैट थ्री इडियट्स अगेन इट हैज अ मैसेज. सो यू नो यू रियली आई थिंक मुझे ऐसी फिल्में अच्छी लगती है जहाँ पे कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं. यू कम आउट ऑफ द फिल्म विद अ थॉट एंड यू थिंक अबाउट द फिल्म एंड यू थिंक अबाउट थिंग्स. So I really enjoy such films. And tell me about the directors you've worked with till now, and what is that you have been inspired by, the work that you've done with all of them? Nitesh sir, he is a really very sweet, passionate person. And कभी उन्होंने सेट पे चिल्लाया नहीं, कभी ऐसा नहीं फील कराया कि वो एक सुपीरियर यू नो प्लेस से आते हैं. Because director has the most control on set, so you know it's very easy to get intimidated by him or be scared if he'll yell at you or upset na ho jaye, you know. And as an actor, you really want to please the director. At least that's what I try to. कि मुझे मुझे बस director खुश चाहिए. So I think with Nitesh sir, I found a friend in him. हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत chill किया है. So I really enjoyed working with him. Then Anurag Basu, I love his films. I really wanted to work with him, and he's such a gem. And how talented that man is! He is constantly thinking. You never know what he's going to throw at you, and you're constantly learning because he's challenging you. You know, मैंने ऐसी फिल्में की है जहाँ पे आपको प्रेप का समय मिला है. बासु सर के सेट पे जाओ, दादा के सेट पे जाओ, आपको कुछ आइडिया नहीं. आप बस जाओगे सेट पे, दादा बोलेंगे ये करो, आप करोगे एंड यू विल सी समथिंग यू नो ब्यूटीफुल कम Magical. आउट ऑफ इट. Spontaneities are the वेरी एंड मतलब उनका दिमाग ना कॉन्स्टेंटली 10 चीजों में चलता है. वो डायलॉग्स भी लिख रहे होते हैं, वो एडिटिंग भी का भी सोच रहे होते हैं, वो कैमरा लेके यू नो शूट करने लग जाते हैं. तो वो ऐसे आउटस्टैंडिंग है, मैजिकल टू वर्क विथ हिम. Okay. देन What is अब what? सॉरी Please continue. नो Continue. Continue. नो देन अभिषेक शर्मा, सूरज पे मंगल भारी, इवन स्वीट हार्ट, ही हैज उसको ओसीडी है. वो उसने तेरे बिन लादेन और वो सारी फिल्में बनाई है. वो बंदा कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है. सो फॉर हिम आई थिंक क्वारंटीन वाज द बेस्ट थिंग टू यू नो हैपन टू हिम. बिकॉज वो वैसे भी ओसीडी है, वो 50 बार हाथ धोता है, वो सैनिटाइज करता है. तो उसके लिए पूरी दुनिया इज गोइंग टू यू नो गो थ्रू दैट एंड ही इज लाइक हाँ मैं तो नॉर्मली ऐसे करता हूँ. Okay, what are you reading and watching right now? Are you writing, reading something? Because you, and I know you read a lot. Are you reading anything? Poor Charlie's Almanac. It's something that a friend of mine suggested. Okay. It is about
अ मैन हु इज एन इन्वेस्टर एंड हु इज रियली बिग और वॉरेन बफे के साथ काम करता था. सो बेसिकली ऐसे रैंडम कंप्लीटली समथिंग. Do you like biographies more? Last time I think you said you like biographies a lot. I do. I really enjoy biographies. Interesting hota hai kyunki really wo cheez hui hai to thoda aur zyada interesting lagta hai. Any specific that you can recommend to people? Any specific biographies that they should pick up and read? Kaun si maine yaar there is this Steve Jobs ki padhi thi biography matlab kis Donald that I enjoy. Basically I like non fiction, so there are a lot of books that I enjoy non fiction which are based on real, you know, life, real life incidences. Yeah, there is this book I accuse about the riots of 1987 that happened in Punjab. Okay, so that was really eye opening and very emotionally draining because you read about what people went through and what people go through in riots and how monstrous people get. So that was very disturbing to read and at the same time very insightful. Yeah. Okay. And the films and the web series that you would like to recommend to people who are watching our live? Anything that you would like? Fleabag wo I think Amazon pe hai. Mrs. Marvelous Amazing wo bhi Amazon. Yeah, that you mentioned last time as well. Yeah. So aur kya dekha maine? अभी शिट नाम भूल गई मैं. पाताल लोक अभी अभी रिसेंटली आया जयदीप सर का, उनके साथ भी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है. तो आई ही इज अ ड्रीम टू वर्क विद. सो ये दो तीन चीजें. ओके यू एंड व्हाट अबाउट द योर फोर्थकमिंग फिल्म्स अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट यू मेंशनड? देयर इज अ शॉर्ट फिल्म दैट आई डिड फॉर नेटफ्लिक्स शशांक खेतान एंड जयदीप सर. So, as of now, there are these three projects, Suraj Pe Mangalwari, Dudo, and this project. Phir lockdown ho gaya, toh shoots koi shuru nahi hue. What about South Indian films that you acted in? That there was only one South Indian film that I did, and it was not a great experience. So... Okay. I know not everybody is like that. I know, you know, you find good and bad people everywhere. So unfortunately I had a bad experience. Okay. So are you sentimental by nature? I believe you still keep the scooter that you used to. Of course I still. You won't believe main abhi matlab apne book I used to write. I still write diaries. So mere paas 8th स्टैंडर्ड से लेके अब तक के ऐसे काफी बीच बीच में छोड़ देती हूँ बट अभी तक है मेरे पास वो टाइमलाइन है आपके लाइफ का. हाँ मेरे लाइफ का. एंड व्हेन आई रीड ऑन इट ओ गॉड मैं ऐसा सोचती थी मैं ऐसी थी. और मेरे पास मैं फर्स्ट कॉन्सर्ट जो मैंने लाइफ में अटेंड किया उसकी टिकट अभी तक है. कौन से ट्रेन से गई थी उसका ट्रेन टिकट है. कौन से बस ट्रेन के बाद बस से गई थी उसका बस टिकट है. आई एम अ होल्डर आई कीप एवरीथिंग. Anything from the diary that you'd like to share with us, which is something that you discovered about yourself when you went back to them? I think it is just I didn't discover per se anything like that. It's just really interesting to see that with you know, at every age, your thought process and जैसे जब भी मैं स्कूल में थी तो कि वो मेरी फ्रेंड किसी और से बात करी वो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि उसने मेरे से ऐसे बात किया. एंड देन यू नाउ यू लाइक यार फॉर अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर अ 12 ईयर ओल्ड और 11 ईयर ओल्ड गर्ल दिस इज अ वर्ल्ड. सो मैं बड़े ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ सब्जेक्टिवली नहीं देखती. सो इट फील्स लाइक दैट आई एम रीडिंग समबडी एल्सेस डायरी because I don't I'm not that person anymore. It's very interesting in that sense. Do you see yourself write a film someday? Oh, I don't think I will definitely develop films. I will definitely, you know, there are certain films I would or you know things that I would want to do, so I would develop. But I don't think I have the quality and the talent to write a film. Okay, so but you write for yourself, right? You write short. Do you write poetry as well? Do you write poems as well? No, it's only prose.
Okay, and photography is something that takes over a large part of your life. So does it help to be in quarantine, and have you experimented your skills in photography apart from the ones that you posted on Insta? Is there more? No यार, मतलब initially starting के मतलब 2-3 weeks 4 weeks मैं ऐसे बहुत लग रहा था कि मुझे ये सीखना है वो सीखना है ये करना है वो करना है. फिर I was like it's okay, even if you don't do anything it's okay, even if it is just reading a book you are still improving. It could be a very small thing, it could be just you know having a routine. So photography मैं भूल गई, then I started reading and then I you know I was researching about something. So, random things, not photography. Any introspection that happened during this time that you felt that you can share it with others? Because a lot of people have gone inward and discovered stuff that they should or shouldn't do, or you know, because of the ICT. I think हम लोग बारिश हो रही है, बड़ी सुंदर सी बारिश हो रही है. Oh, lovely. This desert. This is summer. Peak summer here. नहीं यहाँ पे तो काफी सुंदर मौसम हुआ. मेरे लिए इतना कॉन्स्टेंटली हम लोग चेज करते हैं हमारे ड्रीम्स को, चीजों को, एक रैट रेस में रहते हैं, तो अभी जबरदस्ती हमें बोला गया है टू स्लो डाउन बाय नेचर. सो आई थिंक यू फॉरगेट हाउ समथिंग सो सिंपल एज वॉटरिंग प्लांट्स or getting up in the morning and wake, making your own bed, cleaning the house, it could be so therapeutic. And you know, it's not a bad thing. You just do your thing and इसमें भी शांति है. और यू नो कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग इतने बेसिक चीजों में कैसे खुश रहते हैं, क्योंकि उनको जो भी वो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं. तो आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको 50 चीजें करने की जरूरत नहीं है, खुद से रेस में रहने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप खुशी नहीं, फायदा क्या है ये सब चीज का अगर आप खुशी नहीं हो. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड. एंड बॉन्डिंग विद योर फैमिली, टेल मी अबाउट व्हाट आई मीन, डू यू कुक, व्हाट डू यू डू, इज देयर थिंग्स दैट यू डू अराउंड द हाउस? मैं वैसा खाना बनाती हूं जो सिर्फ मैं खा सकती हूं और कोई नहीं. तो क्या होता है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट फूड? पॉरेज हो गया या सैलेड हो गया या जो भी हो गया, जो भी मैं बनाती हूँ सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, घर में और कोई नहीं खाएगा. बट इट्स नाइस टू बी हैंगिंग आउट विद माय फैमिली. जैसे अभी 6-6:30 बजे का टाइम होता है जब मैं अपने फैमिली के साथ चाय पीती हूँ. यूजुअली अभी बारिश शुरू हो गई है, नहीं तो मैं टेरेस में जाती थी अपने भाई के साथ और कॉफी लेके हम लोग बैठते थे, बस सनसेट देखते थे. ओह लवली, सनसेट. Okay, that's truly poetic and you know, and of course. हाँ, मतलब वो 5-6 बिल्डिंग के बीच में से जो थोड़ा सा पानी दिखता है और उसमें सन जाता हुआ दिखता है, उसमें भी बहुत सुकून है. Well, it's nice to talk to you about rain because I'm sitting here in the peak of summer and Dubai, as you know, is a desert. So rains बहुत कम होती हैं, पर होती हैं. So it was lovely speaking to you, Fatima. And let's catch up once you're back. Definitely. Let's meet up. ये तो फिर एक teaser है. Let's meet up when everything is fine. I'm hoping that you stay safe home indoors. Thank and you. Let's hope that everything comes back to normal and then we'll catch up soon in Dubai when you're here. Yes, yeah? Inshallah. Lovely to talk to you. Thank you. And please have Love a great day. You too. Bye. Bye. Bye.